देवताभ्यो पितृभ्यश्चो महायोगिभ्यो च नमः शुभाय शुद्धाय नित्यमेव नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। बहुत से भक्तों के फोन आ रहे हैं, गुरु जी ये बताइएगा कौन सा श्राद्ध, अर्थात जो पितृपक्ष में श्राद्ध होते हैं ये कौन सा श्राद्ध किस दिन पड़ेगा? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रतिपदा से पूर्ण जो पूर्णिमा तिथि होती है, और इस बार पूर्णिमा तिथि 25 सितंबर को पड़ रही है, तो 25 सितंबर मंगलवार से श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। और इस मंगलवार 25 सितंबर से प्रारंभ होकर के श्राद्ध आपके 9 अक्टूबर तक चलते रहेंगे कंटिन्यू 16 दिन। तो सबसे पहला जो श्राद्ध है वो पूर्णिमा का श्राद्ध 25 सितंबर मंगलवार को है। इसके बाद में प्रतिपदा का श्राद्ध बुधवार 26 सितंबर, और इस दिन द्वितीया का भी श्राद्ध किया जाएगा। दूसरा जो प्रतिपदा के बाद द्वितीया है तो गुरुवार 27 सितंबर तृतीया का श्राद्ध है। तृतीया वाले दिन चतुर्थी का श्राद्ध है 28 को। चतुर्थी के बाद में शनिवार को चतुर्थी है, पर उस दिन श्राद्ध जो है वो पंचमी का होगा। अब यहाँ पर पंचमी और छठ दोनों एक दिन ही है रविवार को, तो छठ का श्राद्ध है चंद्र षष्ठी है और छठी का 6 है, तो इस वजह से पंचमी और छठ दोनों का श्राद्ध ये रविवार को होगा। अब यहाँ से जो सप्तमी है सोमवार को, ये आपकी 1 अक्टूबर को, तो ये सप्तमी का श्राद्ध होगा। 2 अक्टूबर अष्टमी का श्राद्ध है। 3 अक्टूबर नवमी का श्राद्ध है, और इस दिन नवमी के श्राद्ध के दिन विशेषतया स्त्रियों के श्राद्ध को किया जाता है, जिनको अपनी माता की, दादी की, चाची की, काकी की, नानी की, किसी की डेट नहीं पता है, तो वो केवल नवमी के दिन आप उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, दान दे सकते हैं। अच्छा, जो दशमी गुरुवार है तो 4 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध होगा। एकादशी शुक्रवार 5 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध होगा। द्वादशी शनिवार 6 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध होगा, और इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी है। त्रयोदशी रविवार 7 अक्टूबर को आपका त्रयोदशी का श्राद्ध होगा, और चतुर्दशी सोमवार 8 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध है, पितृ विसर्जन भी है इस दिन, तो इस दिन संपूर्ण श्राद्ध होंगे। और अमावस्या जो है ये 12:04 तक ही है, मंगलवार को 9 अक्टूबर को, तो इस दिन भी आप अमावस्या का श्राद्ध कर सकते हैं, पितरों को आप विसर्जित कर सकते हैं। पितर जब आएंगे तो उनको प्रणाम करना है, पितरों का जब हम विसर्जन करेंगे तो प्रणाम करना है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पितृपक्ष हैं, इसमें जो भी अपने पितरों के लिए कार्य नहीं किए हैं अभी तक उनको करें। पिंडदान भी बहुत ज़रूरी होते हैं करना, घर में पिंडदान किए जाते, खीर के बना करके पिंडदान किए जाते, मावे खोवे के बना करके पिंडदान किए जाते हैं, जौ के आटे के पिंडदान किए जाते हैं, बहुत ही पितृदोष संबंधी समस्या को दूर करने का। एक 16 दिन का मान लीजिए मेला सा होता है, जिसमें हम पितरों को प्रसन्न करके उनके दया का, आशीर्वाद का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।